देखिए बेटा, आज जो अपना चैप्टर होगा वो नया चैप्टर होगा, और इस चैप्टर से संबंधित मैं आपको बता दूं, पिछले बार बोर्ड के एग्जाम में इससे क्वेश्चन खत्म हुआ है। पिछले साल 2020 का जो बोर्ड का एग्जाम था, मतलब उसके अंदर इसका क्वेश्चन पुटा हुआ है। तो सबसे पहले एक 7 नंबर का बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि राइटर करेक्ट स्केच ऑफ कपूर, कपूर का करेक्टर स्केच लिखिए, चारित्रिक चित्र का चरित्रण चित्रण कीजिए या कपूर का चारित्रिक चित्रण प्रस्तुत कीजिए। दूसरा मैं आपको बता दूं, छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से ज्यादा बनेंगे, मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप ध्यान रखना। सबसे पहले देखिए अबाउट द राइटर, लेखक के बारे में देखिए, लेखक क्या कहता है। शरद चंद्र चटर्जी वॉज ए प्रोमिनेंट बंगाली नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। शरद चंद्र चटर्जी 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक समय के एक जाने माने बंगाली भाषा के उपन्यासकार थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटे कहानीकार थे, छोटी छोटी कहानियां लिखने वाले कहानीकार थे। Most of his work deals with the lifestyle, ज्यादातर जो उनका वर्क है वो वर्क lifestyle के बारे में बताता है, जीवन शैली का वर्णन करता है, फ्रेशली दुकान का बारे में बताता है, स्ट्रगल ऑफ द विलेज पीपल, गांव के लोगों के संघर्ष को बयां करता है, एंड द कंटेम्पोररी सोशल प्रैक्टिसेस दैट प्रिवेल इन बंगाल। और इसके अलावा तत्कालीन समाज में व्याप्त वो प्रथाएं जो तत्कालीन बंगाली समाज में व्याप्त थी, बंगाल में व्याप्त थी, उसको उजागर करता है। तो शरद चंद्र चटर्जी जो है वो अपने जीवन वर्णन के लिए जाने जाते हैं, जीवंत लेखों के लिए जाने जाते हैं, उनमें लेखों उनके लेखों में जीवंतता महसूस होती है, चाहे से वो व्यक्ति के जीवन स्तर की बात हो, चाहे से व्यक्ति के संघर्ष की बात हो। बंगाली व्यक्ति थे तो बंगाली जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उस भाषा के अंदर वो लिखते थे। बंगाल में तत्कालीन समाज में व्याप्त जो प्रथाएं थी उन प्रथाओं को उजागर किया है। अब देखिए ये जो कहानी है ये एक ऐसी कहानी है जो एक व्यक्ति के संघर्ष को बयान करती है। तत्कालीन समाज में जो हमारी मान्यताएं थी, या फिर अपन ये कहें कि उस समय जो एक जमींदारी प्रथा हुआ करती थी, उस जमींदारी प्रथा के दौरान किस प्रकार से व्यवहार होता था, किस प्रकार से व्यक्तियों का जीवन था, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। कहानी को ध्यान से समझना और घटनाओं को समझना, घटनाओं के साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी, वो होगी सर्कमस्टेंसेस, कि सर्कमस्टेंसेस जो होती है वो व्यक्ति को किस प्रकार से उसके नेचर को बदल देती है, किस प्रकार का निर्णय लेने के लिए उसको मजबूर कर देती है। द विलेज वॉज कॉल्ड काशीपुर, गांव को काशीपुर कहा जाता था, यानी गांव का नाम काशीपुर था। इट वॉज ए स्मॉल विलेज, हालांकि एक छोटा सा गांव था, इट जमींदार वॉज स्मॉलर स्टील, और इसका जमींदार भी छोटा ही था, क्योंकि जमींदार बड़ा वो होता है जिसके पास ज्यादा जमीन होती है। जब गांव छोटा था तो जमींदार भी छोटा ही था, इस गांव का जमींदार भी छोटा ही था। Yet his tenants dared not stand up to him. He was so ruthless. लेकिन वो व्यक्ति इतना निर्दयी था, इतना क्रूर था कि उसके किसान उसके सामने खड़े होने का साहस नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? गांव का नाम काशीपुर था, गांव छोटा था, हालांकि इस गांव का जमींदार था वो भी छोटा ही था,
लेकिन इतना प्रूफ था, इतना मिलता ही था, इतना प्रूफ इतना मिलता ही था कि उसके गांव के किसान उस जमींदार के सामने खड़े नहीं हो सकते थे, उस जमींदार के सामने खड़े होने का साहस नहीं कर सकते थे। इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन। अब देखिए लेखक एक ओकेजन की तरफ आपको खींचता है, उस जमींदार के सबसे छोटे लड़के का, उस जमींदार के सबसे छोटे लड़के का जन्मदिन का अवसर था। तर्क रत्न का प्राइस वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस, और तर्क रत्न जो पुजारी था वो जमींदार के घर से अपने घर के लिए रास्ते पर था, जा रहा था। तर्क रत्न कौन है? गांव का पुजारी। तर्क रत्न कौन है? गांव का पुजारी। अवसर क्या था? जमींदार साहब के सबसे छोटे लड़के का जन्मदिन था और तर्क रत्न जमींदार के घर से अपने घर जा रहा था। क्यों? वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स, यानी जमींदार के घर वो प्रार्थना करने के लिए गया था, पूजा पाठ करने के लिए गया था। तो जमींदार के यहां पूजा पाठ करवा के अब वो अपने घर क्या कर रहा था? रिटर्न हो रहा था, जा रहा था। इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ मई, लगभग मई के महीने का अंतिम समय चल रहा था, मई का महीना खत्म होने के कगार के साथ। बट नॉट अ पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई, लेकिन आसमान में कोई बादल का टुकड़ा तक नजर नहीं आता था। द रेनलेस फ्रेगमेंट पॉड फायर, और बिना बादलों वाला जो आसमान था वो आग उगल रहा था। क्या उगल रहा था? आग उगल रहा था। कहने का मतलब लेखक ये बताना चाहता है कि गर्मी जो थी वो अपने चरम पे थी, धूप जो थी वो अपने चरम पे थी। द फील्ड इज इन फ्रंट स्ट्रेचिंग आउट ऑफ द होरिजन, कहने का मतलब खेतों में कोई फसल नहीं थी मौजूद। जब खेत जोते वो बिल्कुल होरिजन तक फैले हुए थे। होरिजन का मतलब होता है क्षितिज, एक ऐसी रेखा जहां आसमान और पृथ्वी आपस में मिलते हुए से नजर आते हैं। अपन जब दूर देखते तो कहते हैं कि वहां जाकर पृथ्वी का अंत हो गया, देखो आसमान आ गया नहीं, ऐसा वो लाइन। तो खेत जोते वो क्षितिज तक पसरे हुए थे। Had broken up into tens of thousands of fissures in the burning blaze, और तेज धूप के कारण, उस जलती हुई आग के कारण जो जमीन थी उसके दसों हजार टुकड़े हो गए थे। टुकड़े होने का मतलब आपने देखा होगा कई बार, जैसे काली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, और वहां पानी भरने के बाद या पानी काम में आने के बाद फिर जैसे ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है, तो उसपे एक दरारें पड़ जाती है, ऐसे दरारें पड़ जाती है ना, तो वैसे ही दसों हजार दरारें खेतों के अंदर ऐसे नजर आती थी। कहने का मतलब लेकर ये बताना चाहता है कि जो गर्मी थी वो काफी भीषण थी। एंड इट लुक्ड एज दो द लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ वॉज अनसीजिंगली, अनसीजिंगली का मतलब होता है बेटा कंटिन्यूसली, लगातार फ्लोइंग आउट थ्रू देम एज ए स्पार्क, और ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो जो दसों हजार दरारें पड़ी हुई थी उन दरारों में से धरती माता का खून धुआं बनकर उड़ रहा हो। क्योंकि जब गर्मी बहुत तेज होती है तो एक झिलमिल सी, झिलमिलाहट सी दिखती है, आप दूर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हुआ है, या फिर ऐसा लगता है जैसे कोई धुआं उठ रहा है। तो लेकिन कहता है कि जब दूर इस चीज को देखा जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मानो कोई धुआं निकल रहा हो, और उस धुओं की कल्पना लेकर करता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि मानो धरती माता का जो जीवन देने वाला खून है, जो ब्लड है, वो उन दरारों के अंदर से बाफ बनकर, बादल बनकर उग रहा हो। एक वन गेज गोंग एज इट्स राइजिंग फ्लेम, फ्लेम लाइक सीरियस मोमेंट इट लेफ्ट हिम एज इन पर डेज विद ड्रंकनेस। लेखक कहता है ऐसी गर्मी की उस झिलमिलाहट को, उस
बादलों के जैसे उठने वाली उस स्मॉग को यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक देख ले, लंबे समय का मतलब 2-4 साल नहीं, मतलब ऐसे कंटिन्यू बिना पलक झपकाए उसको भोर देर तक देखता रहे, तो लेखक कहता है उस व्यक्ति को ड्रंकनेस का आभास होगा, यानी कि एक प्रकार से ऐसा लगेगा जैसे कि उसने मदिरा पान कर लिया, ऐसी स्थिति हो जाएगी उसके पांव जमीन पर नहीं टिकेंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी कि वो अपना संतुलन खो देगा, अपने होश आवास खो देगा, इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है इस जिन मिलाप का। चलो छोड़ो ये तो सिर्फ इतना बताने के लिए कि गर्मी भीषण थी। At the end of the field, beside the road, there stood the house of Gafur. एक दूसरी बात उसमें लेखक कहता है कि रोड के दूसरी तरफ ये रोड है, फॉर एग्जाम्पल ये दरवाजे से सिटी की सिटी ये रोड है, आम रास्ता है लोगों के आने जाने के लिए है ये, और इसके सामने वहां जहां दीवार का अंत है वहां गफूर का घर था। वहां गफूर का क्या था? घर था। गफूर कौन था? क्वेश्चन कई बार ये भी बन जाता है हु वॉज गफूर, और भी उसके आगे कोई क्वेश्चन जोड़ देता है, तो गफूर वॉज द वीवर जुलाहा था। नाउ देट द मर्बोल्स वर इन रुइन, यदि क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हु वॉज गफूर, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ गफूर्स हाउस, गफूर के घर की स्थिति का वर्णन कीजिए, तो गफूर का घर कैसा था ये देखिए आप। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर गफूर के घर वाला। लेकिन कहता है नाउ द मड वॉल्स वर इन रुइंस, गफूर के घर की जो मिट्टी की दीवारें थी वो खंडर बन गई थी। क्या बन गई थी? खंडर बन गई थी। द कोर्टयार्ड टर्न द पब्लिक हाईवे, और गफूर का घर का जो कोर्टयार्ड था, जो ओपन एरिया था, वो सड़क के टच हो रखा था, मतलब जो आम रास्ता था उस आम रास्ते के अलावा था। आपने देखा होगा अपने गाँव में, शहर में इतनी जगह नहीं होती इसलिए घर सीधा रोड पे खुलता है, गली में खुलता है, लेकिन गाँव में आपने देखा होगा कि जब घर बनाते हैं, चाहे वो आपकी झोपड़ी हो, कच्चा घर हो या पक्का मकान हो, तो उस घर के सामने ओपन एरिया रहता है, खुला एरिया रखते हैं सामने, जिसको गांव में लोग कहते हैं बुआड़ी। और वो जो ओपन एरिया होता है, गफूर के घर का भी वो ओपन एरिया था, जैसे वहां गफूर का घर था तो घर से लेकर ये यहां तक इस रास्ते तक ये ओपन एरिया उसके घर का था। तो लेखक ये कहता है कि गफूर का घर था, जो आम रास्ता था इस आम रास्ते तक उसका ओपन एरिया सटा हुआ था, यानी कि उसकी बुआड़ी यहां तक थी ओपन एरिया तक। और लेखक ये कहता है एंड द इनर पीवीसी वॉज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ द पासर्स बाय, और उस घर के अंदर की जो पीवीसी थी, जो एकांतता थी, वह इस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों की दयालुता की मुदास थी। कहने का मतलब घर ऐसा खंडर हो रखा था उसका कि अंदर की जो पीवीसी थी वो पीवीसी गुजरने वाले लोगों की दया की मोहताज थी, कि लोग उधर देखे नहीं। अब जैसे मान लो किसी ने इधर देख लिया कि गफूर के घर में क्या है, तो फिर गफूर को छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी, सब कुछ ओपन था, यहां से दिख जाता था कि कौन क्या है। और अब इधर से गुजरने वाला व्यक्ति उधर देख, अरे गफूर का घर है यार, दिख जाएगा अंदर, पता नहीं कौन क्या है, तो लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता था कि उधर देखना है कि नहीं देखना है। यदि कोई शर्म करके नहीं देखता तो नहीं देखता, उसकी प्रीवीसी बनी रह जाती, और यदि किसी को शर्म नहीं आती तो वो देख लेता, तो दिख जाता कि वहां एक मकान, वहां जो घर के अंदर एक पानी का बर्तन पड़ा है, ये इधर एक परात पड़ी है, अच्छा गफूर वहां सोया हुआ है, वो उसकी बेटी वहां बैठी हुई है, तो सब कुछ अंदर से दिख जाता था, ये उसकी प्रीवीसी की स्थिति। देखिए प्रीवीसी गुजरने वाले लोगों की मोहताज थी, इस शब्द से ही लेखक ये कहना चाहता है कि दैट द हाउस गफूर्स हाउस वॉज इन अ मिजरेबल कंडीशन, कि वो एक दयनीय स्थिति में था, काफी टूटा फूटा घर था, ऐसा घर जो अपने अंतिम समय में खड़ा हो, मतलब कभी भी गिर जाए, इस स्थिति में उसका घर था।
ए वपूर इज एनीबडी इन कॉल्ड आउट तर्क रत्न। तर्क रत्न उस रास्ते से आ ही रहा था भाई, जब जाएगा वो अपने घर, उसके जमींदार के घर से तो रास्ते से जाएगा ना, पब्लिक वे था। तो इस पब्लिक वे से जाते हुए तर्क रत्न ने आवाज लगाते हुए कहा, इन द सेड ऑफ ट्री बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे कोई पेड़ था, उस पेड़ की छाया में खड़ा होकर उसने आवाज लगाई, ए कपूर, अरे ओ कपूर, इज एनीबडी इन, कोई अंदर है क्या? जैसे तो छिपा हुआ कुछ रहता है नहीं था, देखता तो पता चलता था अंदर है कि नहीं, लेकिन फिर भी उसने आवाज लगाई, व्हाट डू यू वांट, फादर इज डाउन विद फीवर, आंसर्ड गपूर्स लिटिल डॉटर एज्ड 10 अपीयरिंग एट द डोर। गपूर की छोटी बच्ची, एक ही बच्ची थी जिसकी उम्र 10 साल की थी, दरवाजे पर आते हुए उसने कहा, क्या काम है? पिताजी बुखार में सोए हुए हैं, यानी पिताजी के बुखार हो रखा है, गपूर के बुखार हो रखा है, वो घर में लेटे हुए हैं, क्या काम था आपको? फीवर, कॉल द स्पिंडल। तर्क रत्न शाउटेड, अच्छा उसके बुखार हो गया, उसके बुखार हो गया, बाहर निकालो उसको। और देखिए कैसे शब्द बोल देते हैं, स्कैंडल वर्ड वो होता है जो कोई ना कोई कांड कर दे, कांड करने वाला, गलत काम करने वाला लोग, उसको बाहर निकालो, नालायक को, हरामखोर को, ये इस प्रकार की गाली होती है, उस हरामखोर को बाहर निकालो। तर्क रत्न शाउटेड, जैसे ही लड़की ने आकर कहा, आपको क्या काम है? पिताजी के बुखार हो रखा है, सो रहे हैं। तो तर्क रत्न उसके बुखार हो गए, बुखार और उसके बाहर निकालो उस हरामखोर को, ये उन्होंने कहा। द नॉइज ब्रॉट गपूर आउट, बेटी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तर्क रत्न की जो आवाज थी उस आवाज को सुनकर ही गपूर बाहर आ गया, शिवरिंग विद फीवर, बुखार से कांप रहा था, ताप से कांप रहा था। A bull was tied to the old acacia, घर के पीछे या बगल में एक पुराना अकेसिया था, ओल्ड अकेसिया यानी पुराना बबूल का पेड़, उस बबूल के पेड़ के एक बैल बंधा हुआ था, बबूल के पेड़ के क्या बंधा हुआ था, एक बैल बंधा हुआ था, that leaned against the broken wall, और वो अकेसिया का पेड़ उस टूटी हुई दीवार की तरफ झुका हुआ था। कई बार आपने देखा होगा पेड़ जो होते हैं रास्ते में, अपन देखते हैं ना रास्ते में जो पेड़ लगे होते हैं, कई बार वो बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, कई बार थोड़े टेढ़े हो जाते हैं। तो ओल्ड अकेसिया जो था, पुराना बबूल का पेड़ था, वो टूटे हुए घर की दीवार की तरफ उसका झुकाव था, उस पेड़ से एक बैल बंधा हुआ था। अब आगे देखिए, What do I see there? Demanded तर्क रत्न, indicating the bull. उस बेल की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, अरे मैं वो क्या देख रहा हूँ वहाँ? मैं मुझे वो क्या दिख रहा है? मतलब उसने कहा, उस बेल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं वहाँ क्या देख रहा हूँ? Do you realize that the landlord will not tolerate this? अरे तेरे को पता भी है कि नहीं है? जमींदार इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। घटना को याद रखना दिमाग में, वरना तो फिर मैटर का मतलब नहीं रहेगा। बेल बंधा हुआ था पुराने बबूल के पेड़ और उस बेल की तरफ देखते हुए इशारा करते हुए तर्क रत्न ने चिल्ला कर कहा, अरे मैं वो क्या देख रहा हूं? और इस बात के लिए जमींदार बिल्कुल भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। His face was crimson with indignation and the heat of the sun. लेखक कहता है जब वो बोला तो उसके चेहरे का रंग लाल हो गया, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गुस्से में बोलता है ना तो चेहरे पे लाल लालिमा छा जाती है। तो एक तो ऊपर से गर्मी थी, धूप थी, और ऊपर से उसको गुस्सा आ गया, और दोनों के कारण उसका चेहरे का रंग कैसा हो गया, लाल हो गया, और जोर लगा के तो वो बोल ही रहा था, क्योंकि ये जो लोग होते हैं जमींदार और इसके चमचे चमचे ही होते हैं, ये जिनकी पहुंच वहां तक होती है, तो ये लोग क्या है कि बहुत ज्यादा अपने आप को ये समझते हैं कि जमींदार तो फिर हमारे बदौलत ही चलता है। तो उसने
उसको कहा, उसके चेहरे का रंग लाल हो गया था। It was to be expected that these words should be hot and harsh. और तुम इस बात को समझ सकते हो कि जब वो गफूर से बात कर रहा था उस समय उसके शब्द कैसे थे, उसके शब्द गुस्से वाले थे, हॉट। हॉट का मतलब ये नहीं कि साहब उसके शब्द जो थे वो बड़े हॉट थे, ऐसा नहीं। शब्दों का क्या हॉट, लेकिन कहने का मतलब गुस्से वाले थे एंड हार्श और कर्कश, मतलब जिनमें सभ्यता नहीं थी, जिनमें किसी प्रकार की सभ्यता नहीं थी। तू तराक से बात करने वाली, तेरे को पता है ये होगा वो होगा, वो सारी बातें तू तराक से कर रहा था। बट गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम, लेकिन गफूर सिर्फ खड़ा खड़ा उसको देखता था, अनेबल टू फॉलो द इम्पॉर्ट ऑफ हिज वर्ड्स, यानी कि वो अपने शब्द निकालने में, इम्पॉर्ट करने में असफलता असमर्थ था। कहने का मतलब ये कि लेकिन गफूर कुछ नहीं बोला। जितने गालियां उसको निकालनी थी उसने उतनी गालियां निकाल ली, जितना ज्यादा उसको बोलना था उतना ज्यादा उसने बोल लिया, जितनी बेइज्जती उसको उसकी करनी थी उतनी कर ली, लेकिन गफूर एक शब्द नहीं बोला। वेल सेड तर्क रत्न, फिर तर्क रत्न ने कहा, आई साइड टाइप देयर इन द मॉर्निंग, अरे मैंने इसको सुबह भी यही बना हुआ देखा था, क्योंकि सुबह तर्क रत्न उस रास्ते से जमींदार के यहाँ गया था प्रार्थना ऑफर करने के लिए, अरे मैंने सुबह भी इसको यही बना हुआ देखा था, इट्स स्टिल देयर और अभी भी ये यही बना हुआ है। If the bull dies, your master will fly you alive. ध्यान रखना, यदि बैल मर गया है तो मालिक तुझे जीते जी तेरी चमड़ी उतार लेगा। कहने का मतलब तुझे बहुत ज्यादा पीटेगा या बहुत ज्यादा तेरी हालत खराब कर देगा। चमड़ी उतार लेने का मतलब तुझे मरने जैसा कर देना, कहने का मतलब बहुत ज्यादा यंत्रणा देना। यदि ये बैल मर गया तो मालिक तेरे जीते जी चमड़ी उतार लेगा। फले यू अलाइव का मतलब होता है जीते जी चमड़ी उतार लेना। What say like the father? अब देखिए ये फादर क्यों कह रहा है उसको। तर्क रत्न गफूर का बाप तो हो ही नहीं सकता, फादर क्यों कह रहा है? आपने देखा होगा ये जितने भी जो जमींदार है, कई बार आपने मूवीज देखी होगी, कई बार सीरियल देखे होंगे, उनमें ये एक वर्ड यूज करते हैं माई बाप, यानी तुम्हें मेरी माँ और तुम्हें मेरे बाप, ऐसा उनको सम्मान देते थे। और इसके बावजूद उन लोगों का व्यवहार ऐसा होता था उनके साथ, आप सोचिए। तो उसने कहा, व्हाट से लाइक टू फादर, मेरे माई बाप में क्या करूं, आई एम हेल्पलेस, मैं ऐसा हाल हूं, आई हैव हैड फीवर फॉर द लास्ट टू डेज, पिछले कुछ दिनों से मेरे बुखार है, आई कांट टेक हिम आउट टू ग्रेज, मैं इसको चलाने के लिए भाग नहीं ले जा सकता, आई फील सो इल, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं, बहुत ज्यादा बीमार महसूस करता हूं। क्या कहता है, क्या करूं माई बाप, पिछले कुछ दिनों से मेरे बुखार है, मैं बहुत ज्यादा बीमार महसूस करता हूं, मैं इसको चलाने के लिए भाग नहीं ले जा सकता। कांट यू लेट हिम ग्रेज बाई हिमसेल्फ, क्वेश्चन बनेगा यहां से, ध्यान देना। अरे तो क्या तू इसको खुद चढ़ने के लिए नहीं छोड़ सकता, जा तो तू ही नहीं सकता ना, चल तो तू ही नहीं सकता, इसको तो कम से कम चढ़ने के लिए छोड़ सकता है। क्वेश्चन यहां ये बनेगा, वाई कुड गफूर नॉट लेट ग्रेज द बुल बाई हिमसेल्फ, गफूर जो था वो बैल को अकेला चढ़ने के लिए क्यों नहीं छोड़ सकता था। जवाब देखना, उसने कहा, Where shall I let him go, father? मेरे माई बाप में इसको कहां जाने दूं? People haven't placed their paddy yet. लोगों ने अब तक अपना अनाज नहीं निकाला है, यानी फसल को काट कर पटक रखी है, अभी फसल में से अनाज को नहीं निकाला है, थ्रस नहीं किया है। It is still lying in the fields. अभी भी जो अनाज है वो खेतों में पड़ा हुआ है। The straw hasn't been gathered. The straw hasn't been gathered, यानी कि अब तक तो चारा भी इकट्ठा नहीं किया गया है। स्ट्रा का मतलब जानते हैं ना, चारा।
उसको भी इकट्ठा नहीं किया गया है। एवरीथिंग इज बर्न टू सिंडर्स, और बाकी यदि कुछ था तो वो सब का सब जलकर क्या हो गया, राख हो गया। बाकी यदि कुछ भी वनस्पति तो वो सब कुछ जल गई। देयर इजंट अ ब्लेड ऑफ ग्रास एनीवेयर, कहीं पर घास का एक टुकड़ा तक नजर नहीं आ रहा। हाउ कैन आई लेट हिम लूज फादर, मेरे माई बाप, मैं इसको कैसे ढीला छोड़ दूं। ही माइट स्टार्ट पॉकिंग हिज नोज इनटू समबडीज पैडी, यदि मैं इसको ढीला छोड़ दूंगा तो ये किसी के अनाज में मुंह मार लेगा। देखो वर्ड है पॉक हिज नोज, यानी कि मुंह मारना। इनटू समबडीज पैडी, ये किसी के धान में अपना मुंह मार लेगा। और इटिंग समबडीज स्ट्रॉ, या फिर किसी का ये क्या खा जाएगा, चारा खा जाएगा। किसी का ये चारा जो पड़ा होता है खेतों में वो खा जाएगा। तर्क रत्न सॉफ्टन डेलीगेट, ये बात सुनकर तर्क रत्न थोड़ा मुलायम हुआ। मुलायम होने का मतलब ये, यानी कि थोड़ा उसका गुस्सा कम हुआ। बट यू कैन एटलीस्ट टाई हिम इन द सेट समवेयर, अरे लेकिन तुम इसको कहीं ना कहीं छाया में तो बांध सकते थे। एंड गिव हिम अ बंडल ऑफ स्ट्रॉ और टू टू मंच, और इसको जुगाली करने के लिए कम से कम थोड़ा बहुत चारा तो डाल सकते थे। Hasn't your daughter cooked rice? क्या तुम्हारी लड़की ने चावल नहीं पकाए? Why not give him a tub of boiled rice water? Let him drink it. तुमने इसको चावल का पानी क्यों नहीं पिलाया? उबाला हुआ चावल होता है, उसका पानी इसको क्यों नहीं पिलाया? चल पिला इसको। Underline कर लो इसको और इसकी question लिखिए। बेटा मार्कर देना। नहीं देंगे इसमें।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये 5 क्वेश्चन है जल्दी से। अरे ये सब थोड़ी दिक्कत है बेटा, अब तो मैंने सही कर दिया इसको, अब थोड़ी दिक्कत है। हर सही क्या, हर सब थोड़ी दिक्कत है। ठीक है ठीक है,